Sorry, beta. I forgot to put the mic. I hope I was audible. Okay. Now we have to find the area of this triangle. What is given to us for this triangle? It is given that this triangle is isosceles. And isosceles triangle of base 8 and side 6 cm each. Means जो इसका base है वो क्या है 8 cm and side 6 cm each. 6 cm each means जो isosceles side triangle की equal sides हैं उसकी measurement कितनी है 6. So note down this much. Now for area of triangle CQP, A is 6, B is 6 and C is 8, where A, B, C are the sides of
triangle. S is equal to a plus b plus c by 2. Hurry up, start doing yourself. 6 plus 6, 12 plus 8, 20 by 2, that is 10 centimeter. Now, area triangle CQP. Ten minus six. ऊपर नाइन्थ डी इधर ऊपर जाती राइट साइड पे फर्स्ट रूम सो 1 4 आउटसाइड 10 क्या होता है 2 into 5 into 2 सो 4 into 2 root 5 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ जी अपरन पूछना बेटा कुछ 1 मिनट. हाँ जी बोलो मैम. जो हम एरिया निकालते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मैम वो राइट एंगल ट्रायंगल्स में फॉर्मूला लगता है वो वाला. हाँ जहाँ पर 90 डिग्री है आपके पास जैसे ये ट्रायंगल है इस पूरे ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन इस ट्रायंगल में हमारे पास ये बेस है और उस ट्रायंगल की हाइट भी है ठीक है. और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं उसमें क्या होता है ट्रायंगल ये बेस है और ये हाइट है जैसे मान लो इसका ऐसे कई बार ऐसे भी होता है ट्रायंगल इस तरह से बना होता है मान लो ऐसे ये लाइन टेढ़ी है और हाइट बाहर है तब भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट बिकॉज इससे इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हाइट तो यही रहेगी तो जहां परपेंडिकुलर बनता है वहां पर आप हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं. और मैम हमारा मैथ्स का एग्जाम भी एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा. एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा बेटा. अभी ना एक्चुअली okay, मैं इसीलिए नहीं आपको बता रही कि अभी ना थोड़ा डिलेमा है कि कैसे करना है. अभी हम जिस दिन बोला था आपने बोला था आई डोंट नो कि एमसीक्यू तो आई कंफर्म्ड तो आया तो यही सर्कुलर है कि एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा है ना. बट लेट्स सी बता देंगे मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा बट अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है तो आई कैन से एनीथिंग ठीक है. हाँ धीरेन एक मिनट. हाँ जी धीरेन बोलो. मैम हमारा एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होता है तो मैम हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है जो भी हम सिलेबस करवा रहे हैं ना वो सारा आपको आना चाहिए. मान लो यही ट्राई कुछ भी आपको उसमें से आ सकता है अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे ठीक है. अब हम इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस कर रहे हैं बात ये है कि अगर मैम एमसीक्यू आना है तो व्हाट इज़ द नीड. इसी में से क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो उसी में से पार्ट बनकर कुछ भी आपको आ सकता है फाइंड आउट करने के लिए. तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ जी हम इस बुक के एमसीक्यू कर लें उस बुक के एमसीक्यू कर लें. एमसीक्यू सीधे सीधे नहीं आएंगे अगर एमसीक्यू डालेंगे तो क्वेश्चंस में से डालेंगे कि क्वेश्चन को बच्चे ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आप एमसीक्यू का आंसर दोगे. फिर भी कंसेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा तभी वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे आप ठीक है. ओके मैम. ऐसा नहीं है कि हाँ जी कौन सा टॉपिक करें कि सिर्फ एमसीक्यू करवाना है तो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम हियर ना डूइंग सच बिग क्वेश्चंस. उसी एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट उसी में से ही एमसीक्यू आएंगे और अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो तुक्के तो जैसे मर्जी लगते रहें ठीक है. सारा इम्पॉर्टेंट है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है. हाँ जी लक्ष्य कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी किया करो इतना टाइम नहीं है कि आपकी वेट करूँ मैं आप कैमरा ऑन करो फिर मैं आपको अनम्यूट करूँ. I don't have this much time. Whosoever want to ask anything, any doubt, पहले अपना कैमरा ऑन करो फिर अपना हैंड रेज करो. You people raise your hand and I ask you to switch on your camera. What is the fun? हाँ जी बेटा बोलो. मैम जैसे आप कह रहे हो कि एग्जाम एमसीक्यू में होने तो मैम पीटीज भी एमसीक्यू में होंगे अगर हुए तो. मैंने कुछ बोला ही नहीं है.
मैंने कुछ बोला ही नहीं है कि एग्जाम एमसीक्यू, आप लोग पूछ रहे हो तो मैंने ये बोला कि हाँ मे भी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ठीक है? आप ज्यादा मत सोचो, अभी आपका पीटी टू होगा, है ना, जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? मुझे खुद ही अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूं, एवरीथिंग इज इट इज टू बी डिसाइडेड, ठीक है ना, डिसाइड होता है फिर आपको बता दूं, मैं कुछ कह दूं आपको फिर आप कहोगे मैडम ने तो हमें ये कहा था, ऐसे नहीं ना बेटा, वेट, हैव पेशेंस, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना करो, ठीक है? तो एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इतना आया, एट द एंड यू हैव टू एड द एरियाज, नहीं एड नहीं करना, आपको बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो बस दैट्स इट, area of part this triangle you have written this triangle, in case if the question comes what is the area of total, how much total paper is used, agar total paper likha ho to total karna, theek hai? aur aapko beta jo bhi information hai wo prior batayenge, aise nahi ki 10 din baad paper hai aur aapko bata de, nahi abhi hamara syllabus khatam ho jayega tab tak decide bhi ho jayega, aapko batayenge fir, so don't worry, we are more worried about you more than you. Note down quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अगेन हाउ मेनी टाइल्स आर देयर, 16 tiles, and what is given to you? You have been given the dimension of one tile. 16 triangular tiles hai beta. Aapko kiski dimension given hai? Ek tile ki ek triangular tile ki dimension given hai. So ek floor pe design ke liye 16 tiles chahiye. So for this, what you will do? You will find the area of one triangular tile. Then you will multiply that area with 16. 16 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया, कितना एरिया है उस टाइल्स का, देन आपने उसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट. लेट्स डू, एट 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एस इज a plus b plus 2, 35, 40, 55, 3, 72 by 2, 36 centimeter, 5. Now, area of one triangular tile, hurry beta, do yourself the calculation and then match the answer with me. Six six are 36. 3 nines are 27. 2 into 2 into 2. Enough.
6 6 36 27 हो गया 3 into 9 8 is 2 into 2 into 2 तो एक 6 बाहर 9 is the square root of 3 एक 3 बाहर और एक 2 what is left inside the bracket 1 3 and 1 2 36 root 6 is the area note down now either you can keep this 36 root 6 like this also or you can put its value also kya value aayegi 4 ka square root hota 2 4 ke baad 3 ka matlab 9 aata hai 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो ये मिडल में है वैल्यू 4 और 9 के बीच में तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 ले सकते हो अदरवाइज नहीं लेना तो यहीं छोड़ दो दिस इज एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल सो एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स इज 16 इनटू 36 रूट 6 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 36 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटे इट इज 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ 16 टाइल्स ठीक है 16 टाइल्स हैं उसमें इतना एरिया कवर हो रहा है उसको हमने क्या करना है पॉलिश करना है 16 टाइल्स को व्हाट इज द कॉस्ट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए 50 पैसा लगता है तो इतने सारे ये एरिया को पॉलिश करने के लिए व्हाट विल बी द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 पैसे आप उसको रुपीस में कन्वर्ट कर भी सकते हो ठीक है नहीं करना तो रहने दो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज 50 इंटू 50 ओवर 100 रुपीस 1/2 रुपीस 50 पैसा मीन्स 2 रुपीस तो इफ वी विल मल्टीप्लाई इट विद हाफ वी विल गेट हियर दिस इन रुपीस बट हाफ से करना इजी है रुपीस 2 2 4 रुपीस 288 रूट 6 फर्दर बस इतना आंसर बहुत है करना चाहते हो तो 288 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो नोट कर लो कोई डाउट है तो पूछ लो एनी डाउट बेटा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर
द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड सो देयर इज अ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स कितनी है 25 मीटर एंड 10 मीटर ऑब्वियसली ये बड़ी है तो नीचे 25 रखेंगे ठीक है One is 13 meter and the non-parallel sides kitni hai 13 or 14. We have to find the area of this trapezium. Humne aisa question kiya hai jo hamara aeroplane wala question tha usme last wala portion tha na ye. Theek hai? So we can do that in same way. Ek aur tarika bhi hai bete. Jaise maan lo aapne karna ho. अगर सुनो ध्यान से मान लो अगर मैं यहाँ पैरेलल लाइन बनाती हूँ ये 13 हो गया 13 ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ये 10 तो ये 10 ये कितना बचा ये वाला 15 25 माइनस ये पूरा 25 था ये 10 हो गया तो ये 15 ये आ गया जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे मान लो कोई भी इसका एरिया आ गया मान लो इसका एरिया आ गया 300 जनरल और यहां हम एक हाइट भी बना देते हैं हाइट भी बना सकते हैं इस ट्रायंगल के एरिया को लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट इसका एरिया तो उतना ही है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से हमने फाइंड भी किया है उससे क्या आ जाएगी हाइट बेस कितनी है 15 एरिया को कंपेयर किया उससे हमारे पास क्या आ गया हाइट जब हाइट आ गई फिर आप चाहे फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इसमें क्या हीरोन्स फॉर्मूला भी लग जाएगा ऐसे करवाऊंगे वैसे ही करवाऊंगे जल्दी बताओ बोलो रेज योर हैंड तो वो क्वेश्चन हमने उस मेथड से किया है ये वाला इस मेथड से कर लेते हैं ताकि आपको दोनों मेथड पता चल जाए ठीक है देन यू कैन फॉलो एनी वन सो नेम द ट्रेपेजियम ए बी सी डी दिस इज बी ई राइट डाउन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम लिखो बेटा ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर dimensions लिख दो AB is equal to 10 meter CD is equal to 25 meter ये F है then draw BF parallel to AD such that BF is equal to AD is equal to 13 meter. FC कितना है? 25 minus 10, 15 meter. Now, for area of triangle BFC. A is 13, B is 14, C is 15, S is 15. Then area of triangle is let's apply Hieron's formula
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हु इज डूइंग द कैलकुलेशन. 7 कमिंग 2 टाइम्स 1 आउट, 3 इज कमिंग अगेन 2 टाइम्स 1 आउट, 2 इज आल्सो, दिस इज 2 इन पेयर, दिस इज आल्सो इन पेयर, सो इट इज 84 मीटर स्क्वायर. इट इज द एरिया. Note down, please. So what we have got the area of triangle BFC. Now, also area of triangle BFC is हाफ बेस इनटू हाइट. जहां आपने इंट्रोडक्शन लिखी थी ना सारी बेटा, वहां पर जहां पर लिखा था ड्रॉ बीएफ पैरेलल टू एडी, वहां पर लिखो एंड बीई परपेंडिकुलर टू सीडी. ये लिखना पड़ेगा ना, ये बीई आपने परपेंडिकुलर बनाया है, वहां लिख लो स्टार्टिंग में जहां पैरेलल लाइन लिखी है. बीएफ पैरेलल टू एडी एंड बीई परपेंडिकुलर टू सीडी. एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफसी इज 84. इसका बेस कितना है एफ सी और हाइट कितनी है बी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर 15 नीचे, 168/15. दिव्या कैमरा ऑन करो. पूछना बेटा किसी ने कुछ. हमारे पास ये हाइट आ गई, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. पैरेलल साइड्स कितनी है 10 और 25. हाइट हमारे पास ये आ गई 168 ओवर 15. पुट करो देखो आंसर, व्हाट इज द आंसर. लेट्स डू नाउ. एरिया of trapezium ABCD is half sum of parallel sides into height. Parallel sides are 10 and 25 into 168 over 15. ये थ्री से कट होगा. थ्री फाइव आर 15, थ्री सिक्स आर 18. फिर आगे टू से, टू टू जार 4, टू एट जार 16. So the answer is 196 meter square. Cutting यहाँ पे भी हो सकती है. 7 + 8 = 15. हाँ, 3 के टेबल में कट, यहाँ पे भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है. Is it clear? So this is also one of the method of finding the area of trapezium when parallel sides are given and the non-parallel sides are also given. सबसे पहले area of triangle निकाला parallel line डालकर,
by Heron's formula. Then area of that triangle is also half into base into height because we have made the perpendicular. दोनों के एरियाज को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ गया, ट्रेपीजियम की हाइट. ठीक है, जब ट्रेपीजियम की हाइट आ गई तो हमने ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सो देयर बाय वी गेट 196 मीटर स्क्वायर. वो जो थर्ड क्वेश्चन में जो एरोप्लेन में वो जो पार्ट था उसको भी आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है बेटे, सो द टाइम इज ओवर, कंप्लीट योर वर्क. Ask if any doubt. Tomorrow we will start the new chapter, linear equations. ठीक है बेटा? Any doubt? चलो. See you. See you tomorrow. Take care.